नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल धर्म संजय में स्वागत है। आज मैं गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर कुछ आवश्यक बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं और साथ ही गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कथा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा इस वर्ष 24 जुलाई दिन शनिवार को है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और सभी पुराणों की रचना की थी। उनके महान योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। लोग आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। ये भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई दिन शनिवार को दिन में 10:43 से हो रहा है और इसका समापन 24 जुलाई को सुबह 8:06 पर हो रहा है। इस व्रत में सत्यनारायण पूजा का विधान है। इस पूजा के लिए कोई विशेष तिथि नहीं बनाई जाती है, बल्कि किसी दिन प्रातःकाल अथवा शाम में सत्यनारायण देव की पूजा कर सकते हैं। हालांकि शाम का समय अनुकूल माना जाता है। कथा अनुसार एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं, प्रभु मुझे ऐसी कोई लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। उस समय भगवान विष्णु ने सत्यनारायण पूजा करने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रकांड पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करवाना चाहिए। इस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की और इसके बाद इंद्रदेव और नवग्रह सहित कुल देवी देवता की पूजा की जाती है, फिर ठाकुर और नारायण जी की, इसके बाद माता लक्ष्मी पार्वती सहित सरस्वती जी की पूजा की जाती है, अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करें। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आरती और हवन कर पूजा संपन्न किया जाता है। साधक आर्थिक क्षमता अनुसार व्रत एवं पूजा का निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर लोग गोपदम व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोपद व्रत बहुत फलदायी है और सभी प्रकार के आशीर्वाद और व्रत करने वाले को प्रसन्नता प्रदान करता है। जिस दिन पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, उस दिन का हिंदू और बौद्ध संस्कृति में बहुत महत्व है। इस दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी शिक्षाओं की तलाश करते हैं। गोपद व्रत आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का पाठ करना चाहिए। पूजा में धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के बाद भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस व्रत का पालन करते हुए गायों की पूजा भी की जाती है। भक्त को इस पर तिलक लगाने के बाद गाय का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करते हैं तो उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और वह भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इस व्रत का पालन करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ गोपद व्रत रखते हैं और सभी अनुष्ठानों का सही ढंग से पालन करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गोपदाम व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर सरस्वती पूजा करने से छात्रों और उन लोगों के लिए बहुत लाभ और फल प्राप्त हो सकते हैं जो कोई कौशल सीख रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।